हम यहाँ के पेपर में 50 में से 50 नंबर हासिल करना चाहते हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करेंगे जो कि सॉल्व होंगे, मारूजी सवाल शेयर करेंगे और इसके साथ साथ एम लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे। तो है आपके नए पेपर पैटर्न में अहदीस और जो आपकी आयात है वो लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएंगी, बल्कि वो शॉर्ट वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। 8-8 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब 8 नंबर में आपने कितना लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके लिए तो सिर्फ आपकी दो जुमले भी होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ग्रुप एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, अगर आप भी इस्लामिया के पेपर में 50 में से 50 नंबर हासिल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पे आए हैं। अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे आपके इस्लामियात की बुक में जितने भी टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक्स पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करेंगे जो कि सॉल्व होंगे, मारूजी सवाल शेयर करेंगे और इसके साथ साथ एम लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे। तो इससे पहले हमने अपने चैनल पर इस्लामियात का जो न्यू पेपर पैटर्न है 2024 पंजाब बोर्ड का, वो शेयर कर दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो उसे जो है आप देख लें आपको पेपर पैटर्न किस तरह का आएगा, ठीक है। अब जो है आपके नए पेपर पैटर्न में अहदीस और जो आपकी आयात हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएंगी, बल्कि वो शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएंगी। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके सोल्ड होंगे, ठीक है। आपने पेपर से पहले उनको पढ़ के जाना है, इस्लामियात है, ठीक है। आपको जो है उसको वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ उसको पढ़ लेना है और अपने से जो है ना सेल्फ राइटिंग में उसको जो है लिखना है, ठीक है। आपको समझ आ जानी चाहिए तो आप सेल्फ राइटिंग इस्तेमाल करें, ठीक है। पेपर में जाने से पहले आपने ये तमाम क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाने हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। और मरूजी जो है आपके 10 नंबर की मरूजी है वो भी इसमें से ही आएगी, 24 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और जो आप लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें बात करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और आपने 2 करने हैं, ठीक है। एक आपको चॉइस के तौर पर होगा, 8-8 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब 8 नंबर में आपने कितना लिखना है, 8 नंबर के लिए कम से कम जो है ना आप 4 पैराग्राफ तो जरूर लिखें, ठीक है। वो पैराग्राफ के नाम देकर उनको अच्छे से रेडी करके 4 पैराग्राफ, और 5 ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप 5 से 6 पैराग्राफ लिखें, और इससे ज्यादा आपने नहीं लिखना है, ठीक है। और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी लेंथ जो है सिर्फ आपकी 2 जुमले भी होनी चाहिए। पहले भी मैंने आपको बताया था कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपने सिर्फ 2 जुमले 2 बातें ही बतानी होती है, ठीक है। 2 जुमले, एक बात आपने पूरी बताई, खत्मा लगाया, अगली बात बताई, ठीक है। 2 जुमले में आपने अपने क्वेश्चन को मुकम्मल करना है। अब आप 2 जुमले हैं वो आपकी शीट के 3 लाइनों में आ जाए, 4 में आए, 5 में आए, उससे कोई मसला नहीं है, वैसे जो है वो आपने 2 जुमलों में लिखना है। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं और आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर करते हैं, और इन तमाम गेस्ट पेपर्स को, इन तमाम नोट्स को आप PDF में और PNG इमेजेस में हासिल कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको ज्वाइन करके फॉलो कर लें, वहां पे आपको फ्री में तमाम गेस्ट पेपर्स, PDF नोट सब कुछ फ्री में मिलेगा। तो चले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मरूजी सवाल। सब्सक्राइब तो बनता है ना, आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। Thank you.
कल के पेपर के लिए सबको गुड लक, अल्लाह हाफिज़।